तो अभी दोस्त हम चल चुके हैं फुकेत के लिए और हम वहाँ जाएंगे घूमने और घूमेंगे और आपको चढ़ाएंगे और क्या करेंगे बता जल्दी। हाँ पहाड़ चढ़ेंगे थक जाएंगे फिर सो जाएंगे। वाह ये तो करने जा रहे थकने जा रहे हैं तो भी लेके आएंगे। ये ये मैडम जी का फर्स्ट टाइम है प्लेन में, मम्मी का सेकंड टाइम है बट मम्मी का इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनल। और बहन कैसे लग रहे हैं आपको? कैसे लग रहा है अभी तक का कुछ एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें तो? और टॉयलेट। तो पापा आपको कैसे लग रहा है काफी टाइम बाद आपको ट्रैवल करने? बहुत बढ़िया लग रहा है। और भी कुछ? ऑलमोस्ट 15 इयर्स बाद ट्रैवल कर रहा हूं। और पापा तो थोड़ा से ऑकवर्डली सीरियसली बात कर रहे हैं। सबको ऑकवर्ड कर दिया मैंने, अब ट्रिप चालू। बेसिकली हम ना एक मार्केट में आ रखे थे और ये काफ़ी सी फूड फास्ट फूड वाली हैपनिंग की मार्केट है। बेसिकली काफ़ी खाने वाली सेंट्रिक मार्केट है और यहाँ पे एक्चुअली फिश और जो मतलब अफकोर्स ही बात है यार पूरा आइलैंड सही है तो सारा मतलब खाने का सामान भी उसी के हिसाब से। हमने नारियल पानी पिया था बहुत ही बढ़िया ना, मतलब काफ़ी बड़ा सा नारियल था। पता नहीं दिखने में पता चल पा रहा होगी नहीं बट ये इंडिया में जो मिलते हैं मैंने जो सबसे बड़ा अभी तक देखा था नारियल उससे 4 गुना बड़ा है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नारियल है। ये जितने भी दिख रहे हैं ना बेसिकली सारे कोकोनट से बना रखे हैं इसमें ना, कोकोनट्स को एक कार वाश करके ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। सबसे क्रीपी वाला चूहा है भाई, वो कितना ज़्यादा रियल सा लग रहा है, अजीब सा। तो देखो जैसे यहाँ पे बैठे हैं ना ये बैठ के यहाँ पे पूरा कार्व कर रहे हैं। ये एक्वेरियम जैसे लग रहे हैं बट एक्वेरियम है नहीं, ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं सारे। ये वो हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन चुकी हैं। और ये भाई लॉबस्टर कितना बड़ा था, दो घूंट लगा लिए जाए क्या दोस्तों फ्रूट जूस के। बेसिकली कहीं पे भी ऐसे किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओ गोवा जाओगे तो आई लव गोवा वाली मेड इन चाइना की टी शर्ट होगी और यहाँ पे आई लव थाईलैंड वाली मेड इन इंडिया वाली टी शर्ट है। फ्रेंड्स ऐसी ही जिंदगी की रीत है, अब क्या करा जा सकता है, बनता कुछ और है बिकता कुछ और है। तुम्हें ऐसे कैसा लगा यहाँ का खाना वाना खा के? ठीक था, मतलब इंडिया ज़्यादा भाव आता है। टीजे भैया के गाने सुनाए जाएंगे आज, टीजे राजेश। चांदनी बार बना रखा है दोस्तों अंदर ही अंदर। गुनगुन जी आपको चांदनी बार में आके कैसा लग रहा है? अमेजिंग। यहाँ की जो मछली मार्केट है वहाँ पे इतनी स्मेल नहीं है, यहाँ की मछलियाँ हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं। नहीं फ्रेश होगी ना? ये भी हो सकता है फ्रेश भी हो सकता है। चांदनी बार की मछली लिए जा रही हैं, ऐसी हैपनिंग टैक्सी पहली बार देखी। पैर से बाय बाय कर रहा हूँ मैं रोड, मैं पैर से धक्का लगा रहा हूँ हवा फेंक रहा हूँ ना, तो देखो कितनी तेज तेज चल रही है। What is up friends? अभी मैं एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे आसपास नॉर्मल हो गया। मैं एक बार ऐसा जंट हूँ, अब मैं थोड़े से स्टाइलिश इंसान हूँ, अब मैं आसपास महिलाओं को आकर्षित कर एक बार और रखते हैं। अब मैं सेन्योरिटास इंसान बन चुका हूँ, अब मैं ओनली सेन्योरिटास को नहीं अब मैं मर्दों को भी आकर्षित कर रहा हूँ। मेरा जादू कैसे लगा आपको मैम? हम है पिंक टीम के अंदर तो हम जाएंगे देखेंगे थोड़ा बहुत, और टोपी लगा के रखूँ क्योंकि ना धूप बहुत है यार। मैं टैन होना चाहता हूँ बट रोस्ट नहीं होना चाहता मैं। सवादी खा एंड खा सवादी खा। Okay.
नाना अभी एक्चुअली रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए और मैंने जो ये नकल नकल होता है ये सब लगाना रहे एक बार देखने के जरूरत है मैं पहली बार जा रहा हूँ पानी काफ़ी ना ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अरे नहीं यहाँ पे ना स्विम करना आसान है तो पहले तो मैं एक्चुअली सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट यूज़ कर रहा था बट ऐसी कुछ खास दिक्कत भी नहीं है चलती ना मैं स्विमिंग भी आती हूँ एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी समुद्र के पानी में मैंने ऐसे कभी स्विमिंग नहीं करी और कभी सोचा नहीं ऐसी कोई चीज़ होती है अभी हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने देखने कैसे एक्सपीरियंस रहता है मैं पहली बार ट्राई करूँ मेरे को कोई आइडिया नहीं है तो स्नॉर्कलिंग से करिए स्नॉर्कलिंग में खाली हल्की डुबकी मारते हैं स्कूबा डाइविंग में पूरी डाइविंग होती है तो भाई वो तो हो सकता है हम अकेले हों यहाँ पर हमारे साथ चार पाँच बंदे और देखते हैं ऐसे भी सीन रहता है तो हम मिलते हैं You first time? Yeah. She doesn't know how to swim. Oh, you second time? No, first time. I don't know how to swim. Oh, no problem. Okay. No swim, underwater, no swim. Cannot handle you. Cannot. Okay. Feel this yes. one. Control body. Okay. Feel, yeah. Slowly. How deep we go? First time you 1 meter and 9 meter. 9 meters, yes, meter, 9 meters. First time, no problem. Okay. Yeah. Oh my, डर लग रहा है. एक्चुअली कान हमारे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे इसलिए मेरी बहन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मैं एक्चुअली प्लेन में ट्रैवल करता रहता हूँ और थोड़ा आदत है इसलिए मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और ऐसे हवा थोड़ी मतलब ऐसे प्रेशराइज करो नाक करते हो ठीक हो जाती बट आपने भाई देखा तो काफ़ी फसल चीज़ है मछली मछली था बड़ी बड़ी मछली थी डर लग रहा था भाई काफ़ी अंदर तक चले गए थे मेरे ख्याल से 10-20 मीटर तक हम चले गए थे और उसके बाद फिर भाई डर से इतना भारी सूट है पर मज़ा बहुत आया भाई ओहो मज़ा ही आ गया डाइविंग करके डर सा हो गया भाई तो दोस्तों आ चुके हैं अब हम नाव चलाने हम थोड़ी नई तरह की नाव चलाएंगे ये भाई ये पकड़ के लाया भाई फ्रेश नाइस ओ ये स्क्विड पकड़ के लाया भाई यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पानी पानी है लेकिन जो जिस बोर्ड को चला रहे हैं वो मतलब बर्फ में ज्यादा चलती है मैं कंफ्यूज हो गया स्कीइंग करेंगे ऐसे तो ये दिक्कत है यार बट अपनी बहन को पीछे बैठाऊंगा क्योंकि इसको डर लग रहा है चलाने और हम स्कीइंग करेंगे जेट स्कीइंग ये मेरे पापा जेट स्कीइंग करने जा रहे हैं क्या आप रेडी है जेट स्कीइंग के लिए मैंने एक चीज नोटिस करी लाइफ जैकेट सही है सब पहना देते हैं और गुब्बारे उब्बारे फुला रहे जा रहे बट ये
एक सीटी लाइफ जैकेट में लगाते हैं इसको, इसी को बजाना मम्मी जब बीच समुंदर में जब आप खो जाओगी ना। ओके गो, चला तेज चलाना बाबा। बाबा तो नाव की तरह चला रहे हैं। तेज चलाएंगे बाबा, तेज चलाएंगे मम्मी बोलेंगे अरे भाई तेज चलाओ। जेट्स की हमारी हो चुकी है रेडी, इस पे बैठ के एक दो फोटो खिंचाई जाएंगी, फिर मामला शुरू करा जाएगा। दोनों चीजें हो रही है रिकॉर्ड, गोप्रो से कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड, इससे कर रहे हैं बहन को रिकॉर्ड, और बहन भी अच्छी लग रही है, ठीक लेते सेफ है ना ब्रो। तो गाइस बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। एक्चुअली मेरी फैमिली की ना, मतलब मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी थी, इसलिए मैंने छोटी सी एक ऐसी ट्रिप सी प्लान करी थी, और मैं जबरदस्ती सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए काफ़ी एक छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश करी आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत ऐसे कॉन्टेंट हो जाए, और होपफुली आप माइंड नहीं करोगे। और अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो मेरे को बताना भाई कमेंट सेक्शन में, और भी अगर कभी बार छोट कभी बहुत ही मतलब कभी ऐसा होता है कि मतलब एक्चुअली मैं वेकेशन पे जाता हूँ, तो हम भी उसको भी रिकॉर्ड करिए आपके लिए।